परिजनों को किया अगवा। पुलिस कर्मियों ने 10 आतंकियों की हिट लिस्ट की जारी। लिस्ट में घाटी के टॉप आतंकियों के नाम शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर होंगे रवाना। चीन के रास्ते करेंगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा। बेस कैंप में ही रुकेंगे राहुल। IRCTC स्कैम में पटियाला हाउस कोर्ट में हुई रावड़ी देवी और तेजस्वी यादव की सुनवाई। दोनों को कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने दी जमानत। यूपी के गाजियाबाद के निजी अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप। पीड़ित महिला ने डॉक्टरों पर लगाया गंभीर आरोप। पुलिस ने जल्द कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। यूपी के आगरा में ट्रक की चपेट में आने से हुई छात्र की मौत। स्कूल से घर लौट रहा था छात्र। मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पटियाला हाउस से अदालत से बड़ी राहत मिली है। जहां IRCTC स्कैम से जुड़े मामले में पटियाला हाउस अदालत ने दोनों को जमानत दे दी है। हालांकि राबड़ी देवी और तेजस्वी कोर्ट के सामने पेश हुए। वहीं कोर्ट ने दोनों को 1,00,000 के बांड और एक जमानती पर जमानत दे दी। दरअसल कोर्ट के सामने लालू यादव को भी पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी यहां से चीन के बीजिंग से ल्हासा और फिर सागा जाएंगे। वहीं सागा में करीब 1-2 दिन रुकने के बाद मानसरोवर की यात्रा और बढ़ेंगे। बताया जाता है कि मानसरोवर की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 15,060 फीट तक है, जहाँ राहुल गांधी एक बेस कैंप में ही रुकेंगे। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है, जहाँ पहुंचने के लिए पहला रास्ता उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है और दूसरा रास्ता सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर जाता है, और इस यात्रा की अवधि लगभग 21 दिन की होती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों निशाने पर पुलिसकर्मियों के घरवाले आ गए हैं। दरअसल आतंकियों ने अब तक 10 लोगों को अगवा किया है और वो सभी पुलिस वालों के परिजन और रिश्तेदार हैं। वहीं पुलिस ने सभी को ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। यहां सुरक्षा कर्मियों ने 10 आतंकी की हिटलिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें घाटी के टॉप आतंकी शामिल हैं। वहीं पुलिस वालों ने कुछ आतंकियों के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। असम के डुबरी जिले के बिलसीपारा के गोवर्धन पहाड़ पर रहने वाले एक दंपति का 11 साल का बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित है, जो कि 6-6वीं क्लास का छात्र है, जो कि पिछले 2 साल से ब्लड कैंसर से पीड़ित है। जहां गरीब दंपति अपने बच्चे का इलाज कई जगहों पर करवाकर थक गए हैं, वहीं पैसा न होने के कारण अब परिवार अपने बच्चे का इलाज भी नहीं करवा पा रहा है, जिसके बाद अब परिवार असम वासियों से भीख मांग कर अपने बच्चे का इलाज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि अपने बच्चे का इलाज करवा सकें। 11 বছর মান মানে পড়ি আছে, তার তার পাছত ব্লাড ক্যান্সার আরম্ভ রোগটা আরম্ভ হয়েছে আর কি। মোর বাচ্চাটো ইমান গুৱাহাটীৰ পৰা মানে আজি 1.5 বছৰ পৰা মানে মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ। তাৰ দ্বিতীয় মোর বাচ্চাটোক সকলোৰে ৰাজ্যৰ মানুহ মই ঘৰ বাড়ি মাটি জমা সয় সম্পত্তি সব মোর ল'ৰাটোৰ পাছত বিক্রি দিছোঁ। মোর আর ক্ষমতা নাই মোর বাচ্চাটুক ট্রিটমেন্ট করিবের, মই আর শক্তি নাই। মই দিন মোর দুখিয়া মানুষ, মই দিনের পর হাজিরে দিয়ে খাও, মই এতিয়া কি করিম? মোর স্বামীটো মোর বাচ্চার লগত আজির পর 1.5 বছর মা মই খাম হাজিরে দিয়ে, মই গতিকে মোর উপায় নাই। সাহায্য করি মোর অসমর রাজ্য, মোক সাহায্য করো মোর এই ব্লাড ক্যান্সারের বেমারটা যাতে উদ্ধার হয়। মই গতিকে মোর আর সাহস না হলে মোর কত আর মই এই কষ্ট ভোগাই, মোর বাচ্চাটুক মই আর দেখিতে মোর খুব দুঃখ লাগে। মই তো আর সাহস না পাও, মই কি করিম? মোর বাচ্চাটুক তোমরা সকলের রাজ্যর মানুষ সবাই সাহায্যের জন্য সবাই দয়া করি, মোর বাচ্চাটুক ট্রিটমেন্ট করবার জন্য বাইরে নেওয়ার জন্য সবাই দয়া ধর্ম করি।
असम के नलबारी जिले के अमियापुर चौक पर एक बाइक सवार ने एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल मृतक नलबारी में ही मछली का व्यापार करता था, जो कि अमियापुर चौक से अपनी साइकिल पर जा रहा था, जहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वो टेम्पो को मुक्सी में मिला तो तभी जो जख्मी हुआ था वो लोग टेम्पो से निकाल के एम्बुलेंस में डाला मुक्सी में, और मुक्सी से एम्बुलेंस जा तक लेके। ये जो एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? वो अमियापुर चौक में हुआ था। अमियापुर चौक बाइक से किसके साथ? बाइक और साइकिल के बीच में हुआ था, मतलब बाइक ने ठोका। यूपी के गाजियाबाद में एक महिला ने एक निजी अस्पताल के प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। दरअसल मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल का है, जहां अस्पताल पर आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि डिलीवरी के वक्त अस्पताल स्टाफ की लापरवाही से उसे गहरी इंजरी हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने महिला को दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अभी तक बच्चे दूध नहीं पी रहे। कितना दिन? 14 को हुई है वो बच्ची। 15 दिन हो गए। आप चाहती क्या क्या हो? उनके आगे सब कार्रवाई हो। अस्पताल की एक गलती की वजह से मेरी बच्ची और मैं दोनों सफर कर रहे हैं। उसका कल को जो वो माँ का दूध नहीं ले रही है, उसको हेल्थ इशू होंगे, उसका कौन जिम्मेदार होगा? मेरा जो दर्द हो रहा है, जो मुझे ड्रेसिंग में दर्द होता है, रोज दर्द हो रहा है मुझे। इस तरीके की एप्लीकेशन पुलिस को मिली है, कंप्लेंट मिली है, जिसमें इलाज के दौरान एक महिला के इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप डॉक्टर पे है। हम लोग दिखा रहे हैं, अभी उसमें जांच करा रहे हैं और जो भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए नेशन लाइव। खबर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं, लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं, लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं, लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ग्रहों की चाल से रहें सावधान, यह है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा आपका समय चक्र? राशि फल में देखिए ग्रह चार, सिर्फ नेशन लाइफ पर। जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज। क्योंकि अब जनता मांगे जवाब, देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर। किस नेता ने कितना किया काम, किसने किया आराम, कौन उतरा अपने वायदों पर खरा, किसने किया जनता का काम, कौन है कितना पढ़ा लिखा, किसके पास कितनी है संपत्ति और कौन बना और धनवान, किसका है आपराधिक रिकॉर्ड, ये सब बताएंगे हम। जानने के लिए देखिए बस हमारा खास प्रोग्राम नेताजी का बायोडेटा, जल्द आ रहा है सिर्फ नेशन लाइव पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। यूपी पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल मामला गाजियाबाद और मेरठ से जुड़ा हुआ है। जनपद मेरठ में बीते दिनों एक युवती को जिंदा जला दिया गया था, जिसके मुख्य आरोपी को मेरठ पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। लेकिन आरोप है कि गाजियाबाद के लिंक रोड थाने के 4 पुलिस कर्मियों ने रुपए देकर मेरठ पीड़िता के मुख्य आरोपी को मामूली धाराओं में जेल भेज दिया। वहीं जब मामला SSP गाजियाबाद के संज्ञान में आया तो बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके बाद दोनों कांस्टेबलों को FIR दर्ज कर सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी को सघन पूछताछ न करने के आरोप में लाइन हाजिर किया गया है। लिंक रोड से संबंधित प्रकरण है। जनपद मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र के एक हिनस क्राइम के अभियुक्त को थाना लिंक रोड थाने के 2 सिपाहियों से मिलीभगत कर उन्हें फर्जी एक मुकदमे में गिरफ्तार कराने का आरोप थाना लिंक रोड के पुलिसकर्मियों पर लगा था। 2 पुलिसकर्मी इसमें चिन्हित हुए हैं जांच में, जिन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, सस्पेंड किया गया है और चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी लिंक रोड को भी लाइन हाजिर किया गया है कि उन्होंने सघन पूछताछ नहीं करी और सरसरी तौर पर ही अभियुक्त को जेल भेज दिया। यूपी के आगरा में तेज रफ्तार से आ रहे डंपर की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई। दरअसल मामला सांवल दासपुर गांव के पास का है, जहां तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ट्रक ने छात्र को अपनी चपेट में लेकर रौंद दिया, जिससे मौके पर ही छात्र की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर छात्र के परिजन ग्रामीणों संग घटनास्थल पर पहुंच गए और गुस्से में आकर डंपर ट्रक में तोड़फोड़ कर दी। साथ ही छात्र का शव राजखेड़ा पिनाहट मार्ग पर रखकर सड़क पर जाम लगा दिया। फिलहाल हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा जाम खुलवाया गया। साइड से तो बच्चा उसकी चपेट में आ गया और उसके टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि बच्चे को उचित सहायता राशि दिलाई जाए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नेशन लाइव। खबर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ग्रहों की चाल से रहें सावधान। यह है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा आपका समय चक्र? राशि फल में देखिए ग्रह चार सिर्फ नेशन लाइफ पर। जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज। क्योंकि अब जनता मांगे जवाब, देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर।
आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। पहाड़ों की पीड़ा, मैदान की वेदना, सरकार और राजनीति से जुड़ी उत्तराखंड की हर रोज छोटी बड़ी खबर। जिससे हो आपका सरोकार, हर खबर हर पल केवल नेशन लाइव पर। के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। यूपी के बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र में एक महिला की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। दरअसल पूरा मामला नगीना थाना क्षेत्र के कस्बा इलाके का है, जहां मामूली बात को लेकर एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वही हत्या का आरोप मृतका के पिता ने पति और ससुराल वालों पर लगाया है। उनका कहना है कि दाल साफ करने की मामूली बात को लेकर पति और सास सहित चार लोगों ने मिलकर पहले उस पर धारदार हथियार से हमला किया और बाद में कुकर से उसके मुंह पर वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जाँच में जुट गई है। कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी खास, सास बहू की थोड़ी चटकुल्ले पटकुल्ले छोड़ती रहती थी, उससे जो है इन्होंने उलट के बाद ने अनौड़ा साफ नहीं हुआ ये है वो है, अगले दिन को बहुत लड़ाई करी और उसके बाद में जाकर अगले दिन को इन्होंने अपने नंदोई से दवा से जो है धार धार हथियार से जो है गर्दन उड़वा दी और उसके बाद में जो लोंडियाँ हमारी इधर उधर हाथ पैर फेंके उनने, तो इनने जो है प्रेशर कुकर रखा था वो धब्बा धब्बा उसके चेहरे पर मार दिया, उसका चेहरा भी ऐसा कर दिया कि जैसे कि उसको पहचान भी नहीं जा रहा है। अच्छा, कौन लोग थे आरोपी? आरोपी यही है जी, इसके नंदोई है, इसकी नणंद है, लड़की की हमारी सास है। क्या गिरफ्तारी हुई किसी की? गिरफ्तारी तीन की हो गई सर, अभी एक बच रहा है। मैं चाहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे किसी नगीना कस्बे में भी एक विवाहिता महिला की जो है वो उसके ससुराल जनों ने उसकी हत्या कर दी है। यद्यपि उसकी शादी को 12 साल से अधिक समय हो गया और जब उसकी घर वाले यानी कि लड़की के मायके वाले जब आए तो उन्होंने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया और उन्होंने चार लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है जिसमें दो लोग। यूपी के मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव हैबतपुर में एक मनचले ने एक युवती की गोली मार कर हत्या कर दी। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक मृतका खेत में घास लेने के लिए गई हुई थी, जहां एक युवक ने युवती को गोली मार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले में मृतका के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही गांव के ही एक युवक ने मृतका के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। कैसे मारी आप थे? नहीं, मैं तो पहले के मौके पर उसने हमें पहले भी केस कर दिया था हमारे पर। किसने? उसने ही। कैसे केस किया? आप पान बांध दिए थे हमारे। आप थे? हाँ, और मैंने पहचान लिया था वो। नहीं, आपने हाथ क्या आपके हाथ पाँव कहाँ बांध देते? नहीं, इधर बांध देते वैसे ही कुछ नुकसान कर रखा था हमने। हत्या क्यों की लड़की? लड़की की हत्या क्यों की? क्या पता मुझे क्यों की हत्या लड़की की। तो लड़का गाँव का ही है? हाँ, गाँव का ही। आप क्या लड़की लड़की की? मम्मी। ये बुदेना खुर्द की एक युवती जो थी वो अपने कुछ लोगों के साथ घास काटने के लिए गई थी हैबतपुर में, जो कि एक जंगल में जो कि चरथावल क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर एक लड़के के द्वारा उसके दो गोली मारी गई है और लड़की की मृत्यु हो गई है। अभी इस संबंध में पंचायतनामा भरकर डेड बॉडी भेजी गई है, अभी FIR नहीं हुई है, कुछ चीज़ें सामने आई हैं उन पर काम चल रहा है। हाँ, वो युवक अभी बहुत ज्यादा स्थिति क्योंकि अभी FIR नहीं हुई है, कोई नामजदगी नहीं हुई है, तो बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजें कहना उचित नहीं है, लेकिन
कुछ चीजें सामने आई हैं जिन पर अभी जांच की जा रही है और बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तारी होगी। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव।